जय हिंद दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे बनारस वाराणसी से कानपुर के लिए तेजस एक्सप्रेस से। हालांकि हमारा जो टिकट था वो वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए था, किसी कारणवश वंदे भारत की जगह तेजस एक्सप्रेस को आज भेजा गया है। तो हम जैसे ही घर से निकलने ही वाले थे कि बारिश आ गई, और रास्ते में ही बारिश की बूंदें शुरू हो गई। अभी जो आप देख रहे हैं ये वाराणसी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन बस अड्डे के बीच में ओवरब्रिज है। इससे आपको एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा होगा, जिसमें आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन और हमारे देश का प्यारा झंडा शान से लहराता हुआ दिख रहा होगा। ये आगे का जो व्यू है, ये वाराणसी स्टेशन परिसर में ही लगा 100 फीट ऊंचा हमारा प्यारा राष्ट्रीय तिरंगा है। ट्रेन के इंतज़ार कर रहे हैं लोग, क्योंकि 2 बजे ही ट्रेन का टाइमिंग है दोपहर में, लेकिन अभी तक ट्रेन आई नहीं। 2:10 हो चुके हैं, तो सबकी निगाहें ट्रेन की तरफ है। लगभग 2:15 पे ट्रेन आती है, और ये रहा तेजस एक्सप्रेस की पहली झलक। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और हम लोग अब अपने कोच में एंट्री ले रहे हैं। थोड़ी रश है, क्योंकि लोग अभी अपने सामान अपने चीज़ों को रख रहे हैं। सुंदर सा नज़ारा है बाहर का, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही हरियाली चारों तरफ दिख रही है। मौसम भी अब थोड़ा खुल गया है, तो और भी प्यारा पूरा व्यू लग रहा है। अंदर कुछ देर बैठने के बाद हमारे सामने आता है नाश्ते की ट्रे, जिसमें एप्पी फिज, एक चीज़ सैंडविच और एक पॉपकॉर्न गुड़ वाली और एक मसाला चाय का सैसे होता है, जिसे आप फोटो में देख सकते हैं। सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। गरम पानी मिलता है एक कप में, जिसमें वो मसाला चाय का सैसे डाल के कुछ देर घोलने पर हमें एक शानदार चाय आउटपुट के रूप में मिलती। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम अर्थात प्रयागराज है, जहाँ पे ये तीनों नदियाँ आके मिलती हैं और संगम का निर्माण करती हैं। ये जो व्यू है, ये अंदर का व्यू है तेजस एक्सप्रेस के, कि किस तरीके से लगता है। बड़ी बड़ी विजिबल खिड़कियाँ। आ गया प्रयागराज जंक्शन, जहाँ पे मात्र 2 मिनट का ही स्टॉपेज है, जिसमें लोगों को उतरना और चढ़ना भी होता है। ट्रेन हमारी आगे चल दी। फिर से वही हरियाली वाला दृश्य प्रारंभ होता है। अब हम चलेंगे तेजस के वॉशरूम में, जिससे आपको हम दिखा सकें कि वॉशरूम में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। वॉशरूम में बेसिन, प्रेशर के लिए प्रेशर गन और साउथ और इंग्लिश मीडियम का होता है टॉयलेट। एक काफ़ी ही अच्छी सफाई के साथ ये व्यवस्था मिलती है आपको। ट्रेन में चार्जिंग के लिए अलग से हर सीट पे एक व्यवस्था होती है। सामने ट्रे होता है, बॉटल रखने के लिए जगह होती है, और काफ़ी स्पेस होता है, जिसपे आप आराम से कंफर्ट के रूप में यात्रा कर सकते हैं। और काफ़ी आरामदायक मोटे सोफे स्टाइल में सीट होती है। हम अब
कानपुर पहुंच चुके हैं। रात के लगभग 8 बज रहे हैं और कानपुर जंक्शन पे हम पहुंच चुके हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपका प्रेम हमें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर के रूप में आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत।